स्वागत है आप सभी का फूडिफाई दी ऑफिशियल में। मैं पूनम आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा चटपटी और लाजवाब पापड़ी चाट की रेसिपी। यकीन मानिए इतना चटपटा होता है कि सिर्फ नाम लेने मात्र से ही मुंह में पानी आ जाते हैं। बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आने वाला है ये रेसिपी। तो चलिए बिना समय गवाए बनाते हैं पापड़ी चाट को आसान और सरल तरीकों से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ी बनाएंगे, जिसकी वीडियो हमने पहले ही ला रखे हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पापड़ी चाट में दूसरा और इम्पोर्टेंट होता है मटर का छोला। तो चलिए पहले हम इस चटपटी और स्वादिष्ट मटर के छोले को बनाते हैं, वो भी आसान और सरल तरीकों से। यहाँ हमने 250 ग्राम सफेद मटर लिया है जो कि आपको आसानी से बाजारों में मिल जाएंगे। इन मटर को हम रात भर के लिए या फिर 5 से 6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि सारे मटर फूल चुके हैं और ये साइज में भी बड़े हो चुके हैं। अब हम इन फूले हुए मटर का छोला बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 प्याज कटे हुए, 10 से 12 कलियां लहसुन की और थोड़े से अदरक लिया है। इन सभी को सबसे पहले हम मिक्सी में स्मूथली पीस लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में 2 से 4 चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ता और 2 खड़ी लाल मिर्च। जब ये सभी तेल में तड़क जाए तो इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट जिसे हमने पहले ही स्मूथली पीस रखा था। इन पेस्ट को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख न जाए। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते चलाते भूनेंगे। हाई फ्लेम पर भूनने पर हो सकता है कि ये मसाले जल जाए। इन मसाले को यहाँ हम अच्छे से इसलिए भूनते हैं क्योंकि इन मसाले में अदरक और लहसुन का पेस्ट है। जिन्हें अच्छे से भुना ना गया हो तो लहसुन और अदरक का कच्चापन रह जाएगा, जिससे कि हमारे छोले का टेस्ट बिगड़ जाएगा। जब ये पेस्ट अच्छे से भुना जाए तो इसमें डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सभी पाउडर को हम इन भुने हुए मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इन पाउडर का कसेलापन ना रहे। जब ये सब मसाले भुना जाए तो इसमें डालेंगे 2 टमाटर बारीक कटे हुए और नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने से एक तो टमाटर जल्दी पक जाएंगे और इसके साथ ही मसाले भी टमाटर के साथ अच्छे से भुना जाएंगे। इसे 2 से 4 मिनट लगातार चलाते रहने से टमाटर जब मसाले के साथ अच्छे से भुना जाए तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून छोला मसाला। अगर आपके पास छोला मसाला नहीं हो तो आप गरम मसाले की क्वांटिटी बढ़ा दें या फिर छोला मसाले की जगह आप चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। इन मसाले को डालने के बाद इसे थोड़ा सा लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जब ये सारे भून जाए तो इसमें डालेंगे फूले हुए मटर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने फूले हुए मटर को उबाला नहीं है बल्कि डायरेक्ट ही इसमें डाला है। इस तरीके से भी मटर के छोले काफी स्वादिष्ट बनते हैं। वैसे मैंने मटर को उबालकर स्वादिष्ट छोला आलू टिक्की मटर चाट में बनाकर दिखाया है, आप उसे जरूर देखिएगा। फूले हुए मटर को इन मसालों के साथ हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे।
जब इन फूले हुए मटर को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इन सभी के साथ हम अच्छे से मिलाकर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इन सभी को प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अगर आपको लगता है कि यहाँ नमक थोड़ा लगेगा तो थोड़ा सा नमक डाल दें। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कुकर जब पूरा 1 सीटी देने वाला होगा तो गैस बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कि कुकर ठंडी हो चुकी है और हमने ढक्कन खोल दिया है। वाह, छोले तो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब एक बार फिर से हम छोला को मिला लेंगे और इस प्रकार से हमारी पापड़ी चाट की छोला रेडी हो चुकी है। छोला रेडी हो चुके हैं। अब हम पापड़ी चाट को रेडी करेंगे कुछ इस प्रकार से। पापड़ी चाट बनाने के लिए इन सभी को हम पहले इकट्ठा करेंगे। खास्ता और क्रिस्पी पापड़ी, स्वादिष्ट मटर के छोले, दही, इमली की खट्टी मीठी चटनी, तीखी हरी चटनी, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक सेब, और बारीक कटे हुए टमाटर। इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरी मिर्च की तीखी चटनी की रेसिपी की वीडियो पहले ही ला रखे हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे और इसमें डालेंगे खास्ता और क्रिस्पी पापड़ी लगभग 7 से 8, और फिर इसके ऊपर डालेंगे स्वादिष्ट मटर के छोले। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ साथ सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मटर के छोले के ऊपर डालेंगे दही। दही डालने के बाद अब इसमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी और तीखी हरी मिर्च की चटनी। ये दोनों चटनी आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। इन सब के बाद हम डालेंगे 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चुटकी चाट मसाला। इन सभी को डालने के बाद अब इसमें 2 से 4 पापड़ी को हम डालेंगे, वो भी क्रश करके। क्रश किए हुए पापड़ी को डालने के बाद अब इसमें डालेंगे बारीक कटे प्याज, बारीक कटे टमाटर और साथ में डालेंगे बारीक सेब। इन सभी को डालने के बाद फाइनली अब डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया पत्ती और इसके साथ ही ऊपर से डालेंगे 2 से 3 पापड़ी। तो रेडी हो चुकी है हमारे चटपटी और लाजवाब पापड़ी चाट, जो दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो सोचिए ये खाने में कितना चटपटा और मजेदार होगा। मुझे तो इसे देखने मात्र से इसे खाने का मन कर रहा है। इसे आप और भी ज्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें डालिए गोलगप्पे वाला जलजीरा पानी। यकीन मानिए ये और भी इसको ज्यादा चटपटा कर देगा। आपने देखा ना, इस पापड़ी चाट को बनाना कितना आसान भी है और इजी भी है। तो कब बना रहे हैं इस चटपटी और लाजवाब पापड़ी चाट को? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फूडीफाई दी ऑफिशियल के अगले वीडियो में एक शानदार और चटपटी रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को यूं ही सपोर्ट करें। थैंक यू।